कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कौमी असम्बली हाल में तलब कर लिया गया, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम कौमी सलामती अमोर पर ब्रीफिंग देंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान, 213 रुपए का हो गया। मुल्की तारीख में पहली मरतबा डॉलर इंटरबैंक मार्केट में नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अमरीकी डॉलर 3.24 रुपए के इजाफे की वजह से 213 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 1.22 रुपए के इजाफे से 209.50 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे ज़रूरी है, जिसे मजबूत बनाना है। वोटर्स का इतमाद बहाल करना ज़रूरी है, यकीनी बनाएंगे कि सबके साथ इंसाफ हो। इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। तरमीम करके नैब के दांत निकाल दिए गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना था कि इस तरमीम के बाद नैब के अदारे को ही बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों को कभी सज़ा नहीं हो सकती। सज़ाएं सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम के लिए हैं। जब चोर और चौकीदार मिल जाते हैं तो बेबस आवाम इनसे निजात के लिए आसमान की तरफ मदद के लिए देखते हैं। कराची और हैदराबाद में कोरोना के फैलाव में फिर खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। हैदराबाद में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 16 और कराची में 10% तक जा पहुंची। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मज़ीद 113 केसेस सामने आए हैं। मज़ीद 85 मरीज इससे शफायाब हो गए। पाकिस्तान भर में 24 घंटों के दौरान इस मौजी वबा से एक और मरीज इंतकाल कर गया। IMF लचक नहीं दिखा रहा, पेट्रोल महंगा करने के बावजूद अब तक माहदे पर दस्तखत नहीं किए। वफाकी वजीर दाखला राना सनाउल्ला ने कहा कि मुश्किल ये पड़ी है कि IMF अपनी शरायत में लचक पैदा करने को तैयार नहीं, और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बावजूद वो अब तक माहदा जारी रखने पर दस्तखत नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि PTI को अपनी गलती तस्लीम करके मिसाक माशियत पर हुकूमत के साथ बैठना चाहिए। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF के साथ ऐसा माहदा किया जो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक नहीं था। उन्होंने तमाम सब्सिडीज को खत्म करने का वादा किया, जबकि आवाम की माशी हालत ऐसी है कि हम ये नहीं कर सकते। उनका कहना था कि IMF के पास गुज़िश्ता हुकूमत का मुआहदा मौजूद है। IMF ने वही शराइत रखी है जो गुज़िश्ता हुकूमत ने इनके साथ मुआहदा किया था। सदर PTI की टोपी उतारे और सदर की टोपी पहने। साबिक वजीर आजम शाहद खान अब्बासी का कहना है कि नैब का रिकॉर्ड मंगवा ले। कौन से मुलजमान को नैब ने मुजरम ठहराया हो और अदालतों से सजा दिलवा सके हों। जावेद इकबाल को बुलाकर पूछें कि 4 सालों में केसेस में क्या पेशरफ्त हुई। उनका कहना था जब तक नैब रहेगा मुल्क नहीं चल सकता, और नैब के जरिए सियासी जोड़ तोड़ होता रहेगा। कहा कि सदर बताएं अगर नैब तरामीम आइन और कानून के मुताबिक ना हुई हों, अपनी हुकूमत में नैब के हर कानून पर दस्तखत होते रहे, मगर हमारे दौर में हर कानून मुस्तरद करते रहे। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और हवाएं चली। कसूर, चोनिया, शेखपुरा, मुल्तान समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। डी खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से लेकर चिलास और अस्तूर तक बारिश हुई। बारखान में बारिश और सालाबारी हुई। कोहलू, मौसा, खेल, शेरानी, डेरा बुगटी समेत कई इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद नदी नालों में निचले दर्जे का सैलाब है। महकमा मौसमियात ने आज सिंध और शमाल मशरकी बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में बारिश का इम्कान जाहिर किया।